ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषान आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश के सीधी जिला से बड़ी खबर है। बता दें कि सीधी माँ हालय में तेंदुआ के आतंक रेखा का मिला रहा तेंदुआ भरे आंगन के बीच से। बता दें कि एक मासूम का उठा के ले गया रहा। ये हमला में मासूम के मौत हो गई जिसके बाद ग्रामीणन के आक्रोश फूट पड़ा रहा और ग्रामीणन के आक्रोश के शिकार भी रहे वन विभाग की टीम। बता दें कि ग्रामीणन के द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों के संगे मारपीट की गई और एक बाद जो उन्हें जवाबी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है। उपद्रवीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लीन गया है। अब उनका जो उन्हें तलाश कीन जाला है। करीब 10 लोगों का ये मामला में जो है आरोपी बना पका है। तो फिर क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूछा अपना पंचे सवेजन इनका प्रणाम कही थे शुरू गई थे बड़ी खबर से। बता दें कि सीधी माँ संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ग्राम पंचायत खैरी के गिजोहर गांव में कुछ दिन पहले खुखार तेंदुए के द्वारा मासूम बच्चा के शिकार कर लिया रहा। सूचना मिले पर संजय टाइगर रिजर्व और पुलिस के अमला मौके में जाके पहुंचा रहा। पर मासूम के मौत से आक्रोशित उपद्रवीन के द्वारा वन विभाग की टीम और पुलिस के ऊपर हमला बोल दिया रहा। जिसके बाद सूचना जो है जिला मुख्यालय में भेजी गई। तब भारी फोर्स जो है गांव पहुंची और मामला शांत भा। जे पर पौड़ी चौकी के तरफ से 10 उपद्रवीन के खिलाफ गंभीर धारण के तहत मामला दर्ज किया गया है और अवैध कर खोजबीन शुरू की जा चुकी है। बतावा जाता है कि छोटे लाल यादव, शिव कुमार यादव, छोटू यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ चौकी प्रभारी पौड़ी के द्वारा मामला दर्ज कर लिया है और धारण में शासकीय काम में बाधा पहुंचावे सहित शासकीय अमला के साथ मारपीट करे के मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसके बाद अब पुलिस जो है सरगर्मी के साथ आरोपी के तलाश में जुटी है। तो सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दें। इजाजत।